हो आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे, मज़े से होगे, खुश होगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की कुछ बात शेयर करूँगी, और दिल की बात क्या, जो हकीकत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था तो उसमें आप लोगों ने, सच में मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, सच बता रही हूँ दिल से, कि मैं ऐसी कोई बात शेयर करूँगी और आप लोग मेरा इतना साथ दोगे, इतनी ब्लेसिंग्स दोगे, इतना प्यार दोगे। तो कहते हैं ना, दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं कुछ, तो बहुत थोड़े से कमेंट, लाइक 90% मुझे अच्छे, तो 10% मुझे गलत कमेंट आए हैं। तो उस एक हिस्से को निकाल करके अगर देखा जाए तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी बात को समझा, मेरी फीलिंग्स, मेरी तकलीफ को समझी, उसके लिए दिल से थैंक यू। अब देखिए, तकलीफ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तकलीफ, अगर जब हम बहुत मोटे मोटे आंसुओं से रोएं तभी पता चले, है ना, वो तो दिल से दिल का कनेक्शन है जो मेरे मेरा आप लोगों के साथ बना हुआ है, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ, जो आप लोग मेरी बातें इतने अच्छे से समझ जाते हो। तो हर बार आप मुझे गलत साबित कर देते, मतलब 1% कहीं डाउट भी होता है कि मैं करूँ ना करूँ, बट आप लोगों ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा करके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो वहीं कुछ चंद लोगों ने जो कमेंट किए हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उनके बारे में आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगी। तो मैंने कहा इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, शुरुआत जहाँ से हो रही है वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अगर आगे मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करूँ तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है, हालांकि एक दो लोग ऐसे बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बाकी लोग अच्छे से भी बोलते हैं। तो एक सजेशन होता है ना, हर किसी को हम निगेटिव नहीं बोल सकते कि निगेटिव कमेंट है, तो ठीक है आपका अपना सोचना है, और आप हो गया या मैं किसी भी चीज़ के लिए हम लोग बंधे नहीं हुए हैं कि नहीं यकीन कर ही लेना है, बट चलिए कोई बात नहीं, जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। तो जिन लोगों ने मेरा दर्द, मेरी दुख, मेरी तकलीफ समझी है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसा ही प्यारो साथ मेरे ऊपर, मेरे साथ, मेरे लिए बनाए रखना, आपसे बस यही दुआ है। और आजकल चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बात नहीं कर पाती हूँ, मैं बात करती हूँ तो मेरी जवान बहुत लड़खड़ाने लगी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से ऐसा हो रहा है कि जाने क्यों हो रहा है, मेरी जवान से लड़खड़ाने लगती है। तो उस सारी चीज़ों को इग्नोर करना, ज़िंदगी में दिन देखिए एक से नहीं रहते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी बहुत बुरे होते हैं, तो वो हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बस ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इतने प्यार करने वाले लोग मेरे साथ हैं, और काफ़ी सारे लोगों को मेरा नया लुक बहुत पसंद आया, थैंक यू दिल से, थैंक यू सो मच। तो साड़ी मैंने क्यों पहनी है, तो ये भी मैं वक्त आने पर शेयर कर ही दूंगी, ऐसा तो है नहीं। देखिए मैं भी इतनी समझ रखती हूँ कि मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट किया है तो, है ना, वो सारी चीज़ें, तो मुझे भी सारी चीज़ें पता हैं, बट चलिए हर चीज़ का एक सही वक्त आता है, सही वक्त आएगा आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और कौन है मेरे घर में, मैं पल्ला क्यों रख रही हूँ, कौन आया हुआ है, ये सारी चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत सारे डाउट्स हैं सारा कुछ मैं क्लियर करूँगी। तो चलिए एक बार फिर से थैंक यू बोलते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा भी पसंद आए इसे एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, आरो मेरा ख़राब हो चुका है और फिल्टर में भी कुछ दिक्कत आ गई, तो पानी निकालने में ना आजकल बहुत दिक्कत होती है, इस तरीके से निकालना पड़ता है। बट देखते हैं, अभी कुछ दिन काम चला रहे हैं, फिर कुछ करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और आरो में मेरे काफ़ी रुपए लग रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं इतने रुपये लगाना इसमें ठीक नहीं है, अब देखते हैं क्या करना है, वो सारी चीज़ें अभी सोचा नहीं, नया लेंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं। फिलहाल पानी की तो ज़रूरत पड़ती है, किचन में कितनी पड़ती है वो भी साफ़ पानी की, आपको तो पता ही है। तो बस मैं वही खाना बनाने जा रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। ये जो खाना है वो बहुत झट से बन जाता है और स्पेशली गर्मियों में खाने में बहुत मज़ा आती है, तो मैं आज जो बनाने जा रही हूँ वो है चने की दाल विद लौकी। ये हमारी फेवरेट चीज़ है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग इसको खाते हैं गर्मियों में, स्पेशली चने की दाल लौकी बना करके बहुत टेस्टी लगती है। किस किस को पसंद है, किसी ने नहीं ट्राई की है तो बताना। तो उसके लिए मैंने रायते के लिए दही और लौकी ऑर्डर करवा दिया था इनसे, तो ये आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में 10 मिनट में दे जाता है, एक चीज़ भी मंगाओ तो एक चीज़ भी आ जाती है, इसका मुझे बहुत आराम है। क्योंकि लोग होते हैं ना, इतने का ऑर्डर करो तब आएँगे, उतने का ऑर्डर करो तब आएँगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है,
देखिए दो सामान मंगाए, झट से आगे घर बैठे बैठे, ना कहीं जाने का झंझट, ना कुछ, ना किच किच, ना पिच पिच, आराम से तसल्ली से घर बैठे बैठे एक सामान भी मंगाओ आ जाता है। तो बस वही लौकी मैंने कट कर ली है, और इस तरीके की दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में बहुत टेस्टी लगती है, और ज़्यादा तड़क भड़क हमेशा नहीं अच्छा लगता है, कभी सिंपल कभी मतलब वैसा है ना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और घर में भी जो हम बनाते हैं ना चीज़ें, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट वाला तो बहुत तड़क भड़क होता है, उसका तो कुछ इलाज नहीं है, गर्मियों में इतनी इच्छा नहीं करती है। तो चने की दाल लौकी वाली के साथ मैं यहाँ पर बनाऊंगी भिंडी। अब सादी भिंडी या फिर जो आपकी मनपसंद सब्जी वो बना सकते हैं, इसके साथ खाने में बहुत अच्छी लगेगी। मैं यहाँ पर भिंडी, भरवा भिंडी बनाऊंगी, बट क्विक वाली बनाऊंगी। आप देखना कितनी जल्दी आपका टाइम सेव होगा और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एज इट इज़ भरवा भिंडी का टेस्ट आएगा। तो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ। चने की दाल को भिगोने जरूर रखना है आपको 10 से 15 मिनट, ये आप याद रखिए, अदरवाइज कचकची सी रह ही जाएगी चाहे आप जितना गलाओगे। ठीक है, तो मैंने इसको भिगो दिया था दाल को, उसके बाद अच्छे से वॉश करके सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया, हल्दी और नमक, नॉर्मल दाल जैसे चढ़ाते हैं ना वैसे चढ़ा दिए। और अगर आपके पास एक आम हो, कच्चा आम, कच्ची अमिया जिसको बोलते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हो, टेस्ट और इन्हेंस होकर के आएगा। फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाली, आप इसमें डाल सकते हो, गर्मियों में अच्छी लगती है। और एज यूजल हमेशा की तरह मेरी आदत, किचन को भी साथ साथ क्लीन करते रहना, ताकि किचन में बहुत मैस ना फैले, और साफ किचन में काम करने का मज़ा ही अलग है। बस दाल चढ़ा दी, जब तब तक मैं चॉपिंग वाला काम कर लूँगी। फिलहाल मैं भरमा भिंडी के लिए जो मसाले मसाला तैयार करते हैं ना, उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज को थोड़ा सा बारीक कर लिया, क्योंकि आप जार देख रहे हो मेरा, वो वाला जार ख़राब हो चुका है, इस वजह से मैं इसमें पीसूंगी। तो मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मतलब जो भी भरवा मसाला बनाने में मसाला लगता है सेम वही चीज़ डालनी है। नमक डाल दूंगी, जीरा डाल दूंगी। उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ आती है भरवा मसाले में, वो है आमचूर पाउडर और सौंफ। तो ये दो चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट होता है, इनके बिना भरवा मसाले का मसाला अधूरा है। तो आप इन दोनों चीज़ों को जरूर डालें। तो आमचूर पाउडर 2 चम्मच डालें, बाकी सारा कुछ 1-1 चम्मच डाला है, आमचूर पाउडर और सौंफ 2-2 चम्मच डालिए। इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा पानी, क्योंकि पतला ना हो जाए ना ये वाला मसाला, तो बिल्कुल थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कितना थिक सा है, इसको मिक्सी के जार में डाल करके चला करके पीस लेना। तो देखिए कितना क्विक से मसाला बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है, भरवा के लिए जैसे कि आपको पता है भरा जाता है, बट मैं क्या करूँगी, टाइम को सेव करूँगी, और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ, तब तक मैं ऑयल चढ़ा देती हूँ कढ़ाई में, तब तक ये गर्म होगा। तो जो मैंने मसाला पीस के रखा है ना, और आप देख सकते हो मैंने भिंडी को इस तरीके से कट कर लिया है, मतलब भरवा के हिसाब से नहीं किया है, और ये जो मसाला है मैं इसको इसी के ऊपर डाल दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, बहुत टाइम सेव होगा। भिंडी भरने में आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, झट से बन जाएगी ये सब्जी। और बस तब तक मेरा सरसों का जो ऑयल है गर्म हो चुका है, इसमें मैं केवल हींग डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी से मसाले में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और बस वही भिंडी और मसाला डाल करके मिला करके और ढक करके बस झट से पक जाएंगे, 10 मिनट लगेगा फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हींग डालनी है। और ये सब्जी ना सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोशिश करें आप सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में इस सब्जी को बनाएं, और थोड़ा सा जो मसाला रह गया था वो हल्का सा पानी डाल के छुटा करके इसमें डाल दिया, और साथ ही साथ 2-4 जो बर्तन होते हैं वो भी मैं क्लीन करके रख देती हूँ। सिंक और किचन क्लीन रहता है ना फ्रेंड्स, काम करने में इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही आराम रहता है, और देखने में भी, काम करने में भी मन लगता है, किचन देखने में भी अच्छी लगती है, हाइजीन मेंटेन रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी तो ऐसी आदत है, मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, शायद ही कभी मेरी किचन में मैस हो खाना बनाते टाइम, अदरवाइज मैं मैस होने नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जार को चेक कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसमें शेक बनाना है मैंगो का, तो इसकी महक चली जाए, अच्छे से क्लीन करके मैंने इसको रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मेरी दाल ऑलमोस्ट बनी जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है नॉर्मल दाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अरहर की होती है, तो उसकी फ्राई के लिए मैं चॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो दाल है वो बिना फ्राई के अच्छी नहीं लगती है फ्रेंड्स, इसको फ्राई करके ही हम लोग खाते हैं, जैसे हींग जीरे का छौंका लगा करके, तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है,
इसको फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। फिलहाल कुछ नहीं, केवल टमाटर प्याज और हरी मिर्च फ्राई करने के लिए चॉप करके मैं रख लूंगी। बारीक बारीक ही करना है, ज़्यादा बड़े पीसेस ना रहे। तो बस उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ। थोड़ा सा रूम को मैं सेट कर दूंगी क्योंकि ये फैला ही रहता है। और लास्ट में आपने बोला था ना चुटकी बजा के काम हो जाए तो कितना अच्छा है, किसी का कमेंट आया था मेरे पास। हाँ जी, चुटकी बजा के कोई काम नहीं होता है, चुटकी के बीच में क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया है। तो बस ऐसे ही है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, और आज मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा रुआचा जो हमारा फेवरेट है। गर्मियों में ये मस्त है ही है, तो मंगवा लिया था न्यू बॉटल, आप देख सकते हैं। तो डाल करके मस्त सा मैंगो शेक बनाकर, मैंगो जूस आप बोलो, सॉरी मैंगो जूस बना करके रेडी कर लिया है। बस उसके बाद मैं दाल फ्राई कर लूँगी। दाल फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल। उसमें थोड़ा सा डाला है हींग, जीरा, फिर ये कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च भी इसमें डाल दी है। और बिल्कुल हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद इसमें बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले, मतलब आधा चम्मच, मतलब एक छोटी चम्मच है ना, तो उतने एक छोटी चम्मच आप मसाले सारे डाल दो। मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, और ऊपर से एक मसाला और मैं डालूँगी। अगर आप चाहो तो गर्म मसाला डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो। हमें नहीं पसंद है तो हम नहीं डालते हैं। बस टमाटर को डाल लेना है, बिल्कुल हल्का सा नमक, क्योंकि दाल में ऑलरेडी से नमक है, डाल करके तो अच्छे से भून लेंगे। देखिए टमाटर कितने अच्छे से भून गए। तो मसाला मेरा फ्राई के लिए बन करके रेडी हो गया है। अब इस दाल को जो बन चुकी है काफ़ी सीटियों के बाद, इसको मैं इसमें डाल दूँगी, और ऊपर से डालूँगी मेरा मेन मसाला जो है सब्जी मसाला। हाँ जी, ये मैं ज़रूर डालती हूँ, ट्राई नहीं किया तो करके देखना, बहुत यम्मी टेस्ट आता है, आपको पसंद आएगा। सब्जी मसाला डाल करके इसको थोड़ा सा ढक करके पकाएंगे, विद इन 2 मिनट्स के लिए इसको ढक देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इन्हेंस हो जाएं। और उसके बाद जो हरा धनिया है वो चॉप कर लेंगे। जब तक दाल मेरी बॉयल हो रही है हल्की सी, तब तक धनिया चॉप करके फिर बस गैस को बंद करेंगे। और ऊपर से फ्रेश धनिया ना डालो फ्रेंड्स, तो सब बेकार है गर्मियों में। मुझे तो बहुत पसंद है, हम सारे लोग तो बहुत पसंद है। तो बस दाल बन गई है, आप देख सकते हैं अच्छा सा फ्लेवर मसालों का इसमें आ चुका है। उसके बाद ऊपर से डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, जिससे कि ये दाल एकदम बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी हो जाएगी। तो कैसी लगी ये दाल की रेसिपी, और कैसा लगा मेरा भरमा भिंडी बनाने का तरीका, मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करके जाएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फ्रेंड्स जो जो मेरा ब्लॉग देखता है, मुझे सच्चे दिल से अगर प्यार करता है तो एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे कर देती हूँ कभी मॉर्निंग में, कभी आफ्टरनून में, कभी इवनिंग में, जब मुझे ठीक लगता है, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिले या तो फिर मैं कर देती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा नीड लगी, आप ये भी बोल सकते हो, तब मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। एज इट इज़ इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी थी। तो फ्रेंड्स किचन में आगे जाने से पहले मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूं। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ दिल की बात आपसे शेयर कर दी थी, इमोशनल हो करके। मैं इमोशनली थोड़ा सा वीक पड़ गई, इस वजह से मैंने वो चीज़ शेयर कर दी। तो कुछ लोग अपनी थिंकिंग लेकर के आ गए, क्योंकि जिस इंसान में जितनी थिंकिंग होगी वो वैसे ही सोच पाएगा। और तो कहती हूँ ये वही लोग हैं जो जब मैं खुशी के ब्लॉग बनाती थी तब भी ये लोग बोलते थे कि तुम तो खुश नहीं हो, तुम तो फेक खुश हो, तुम्हारी खुशी ऐसी है खैरात की है, और तुम कितना खुश हो मुझे सब पता है, फलाना ढिमकाना। और अब बताइए, अब जब मेरे लाइफ में कोई मैं परेशानी शेयर कर रही हूँ वो भी इनको रियल नहीं लग रही है। तो आप लोगों की ये गलती, आप पहले डिसाइड कर लो कि मैं खुश नहीं हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ। मतलब आप, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सोचने वाला। ये कुछ लोग वही हैं जो मुझे बोलते थे तुम तो खुश नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में इतना दुख है, ये है वो है, तुम तो यहाँ रह रही हो पता नहीं और क्या क्या। अगर आप लोगों को मुझे कैसे भी देखना ही नहीं है तो फिर तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ ना।
यू आर मोस्ट वेलकम, आप देखो मेरे वीडियोस और आपको पूरा हक है, आप फ्री हो, यूट्यूब पे हर कोई फ्री है कमेंट करने के लिए। आपकी सोच से, आपके कमेंट से मेरी लाइफ तो नहीं बदलेगी ना, कि मैं कब खुश हूँ कब मैं परेशान हूँ, तो वो बदल जाएगा आपके कमेंट करने से। तो ये कितना बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स, आप लोग नोटिस करना कि जब खुश थे तब तुम खुश नहीं हो, तुम तो बहुत दुखी हो, जब मैं दुखी हूँ तो तुम तो दुखी नहीं हो, तुम तो खुश हो। मतलब दुनिया कैसे भी जीने नहीं देती है। मैंने बहुत दिल से, बहुत मतलब कहते हैं ना, एकदम कुछ वो हो करके, इमोशनली वीक बोलो या अंतरात्मा से बोलो, मैंने अपनी YouTube की प्यारी फैमिली के साथ अपनी कुछ बात शेयर की थी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कंटेंट है ये तो YouTube पे ट्रेंड है। देखिए YouTube पे क्या ट्रेंड है क्या ट्रेंड नहीं है मैं नहीं जानती हूँ, मैं ऐसे हर ब्लॉगर को थोड़ी देखती रहती हूँ, इतना टाइम थोड़ी ना है। तो कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि आप किसकी बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरी लाइफ में जो था वो मैंने यहाँ पर शेयर किया, और मैंने कोई अपने हस्बैंड की कोई बुराई की, या मैंने ये बोला कि मैं डिवोर्स लेने जा रही हूँ, या मैंने ये बोला कि मैं मतलब घर छोड़ के जा रही हूँ, मतलब मैंने मतलब कुछ बहुत मेजर स्टेटमेंट दिया क्या? मतलब सिर्फ इतना ही तो बोला कि हम लोगों में मन मुटाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है कुछ बात को लेकर के। क्योंकि जब आप कुछ चीज़ देखोगे आप इन फ्यूचर ही पूछने लगते, तो मैंने सोचा उस चीज़ को मैं पहले ही बोल दूँ कि हम लोगों में कुछ चीज़ को लेकर के बहस चल रही है। क्योंकि आप मुझे सपोज दैट कुछ एक चीज़ देख रहे हो, फिर अचानक से कुछ अलग चीज़ देखोगे तो आपके मन में भी डाउट्स उठेंगे ना। तो मैंने कहा वो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। वो बात अलग है कि मैंने पूरी बात नहीं बता पाई, देखिए मैं वो भी बता दूँगी, उसका भी कुछ इशू नहीं है, मैं वो भी बता दूँगी, बहुत जल्दी बता दूँगी कि क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग कॉन्टेंट बोल रहे हैं कि कॉन्टेंट है, देखिए कॉन्टेंट की कमी तो मेरे पास नहीं थी, भंडार था भर भर के, ये तो कुछ भी नहीं है, भर भर के भंडार था। लाइट आ गई, कुछ सालों पहले भर भर के भंडार था मेरे पास, इतना बढ़िया वाला कंटेंट था। तब आप मेरा चैनल उठाकर देखना, मैंने एक सिंगल वीडियो मैंने चूं तक नहीं करी थी अपने रिलेशन को लेकर के। तो कंटेंट की तो आप बात ही मत करिए, अगर मुझे कंटेंट लेना होता तो मैं उस टाइम क्यों छोड़ देती, मैं तभी कंटेंट लेती ना। पैसे किसको खल रहे हैं, आप बोलते हो ना कि सब व्यू के लिए, पैसों के लिए है, ये है वो है, ढोंग कर रही है और नाटकबाज है, ड्रामेबाज है। एक दो कमेंट ऐसे आए, एक ने लिखा ड्रामेबाज, एक दो ने लिखा नाटकबाज, तो मुझे उन लोगों की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जब आप बोलोगे तुम खुश नहीं हो तो हाँ मैं खुश नहीं होंगी, जब तुम बोलोगे कि दुखी नहीं हो तो मैं दुखी नहीं होंगी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो मैं अपनी ही यूट्यूब की फैमिली के साथ अपने ही दिल की बात ना शेयर करूँ कुछ लोगों की फालतू की कमेंटबाजी की वजह से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब हाँ, कुछ लोगों को गलत फहमी भी हो सकती है, एक वो कहावत नहीं शेर आया शेर आया शेर, बट ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कब शेर आया कब नहीं आया, कभी कभी शेर आ भी जाता है। आपने वो कहावत बचपन में तो हर किसी ने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। तो ज़रूरी नहीं है अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो मैं भी करूँ, मेरी लाइफ मेरे हिसाब से चलनी है, किसी और की लाइफ किसी और के हिसाब से चलनी है। मैंने क्या बुराई की मेरे पति की आप लोगों से बताइए, मैंने अपना, मेरा मूड ख़राब है ना उनसे, मेरा मन ख़राब है ना, मेरा मन मुटाव है थोड़ी सी बहस है। तो मैंने, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं मेरे हस्बैंड, मैं ये तो बोल नहीं रही हूँ कि वो गलत है, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। हम लोगों की सोच थिंकिंग की लड़ाई है, आप ऐसे सोच लो। तो बता दिया मैंने कुछ, अब देखिए चाहे कुछ गलत चीज़, कोई भद्दी चीज़, कोई गंदी चीज़ अपने ब्लॉग में नहीं दिखाई है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ। मैंने मेरे पति की कोई इंसल्ट नहीं की है, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैंने सबकी इज्जतें बचाई हैं आज दिन तक, हर किसी की। मेरा एक भी वीडियो उठा करके देख लो, शुरुआत से देख लो, जब से मैंने कब शुरू किया था, 2015 या 2016 में, पता नहीं 2017 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तब से उठा करके देख लो। मैंने एक लाइन से, मेरे हस्बैंड की ही क्या, मैंने पूरे ख़ानदान वालों के तारीफ़ों के पुली बांधे, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की है। तो मैं अब क्या करूँगी, हाँ मेरी इज्जत पे भले ही आँच आई हो, बट तब तक भी मैंने किसी की इज्जत पे कोई आँच नहीं आने दी है। मैं भी चाहती बहुत कुछ बोल सकती थी, बट मैंने सबकी इज्जतें बचाई हैं, तो मैं अब मेरे पति की क्या वो करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। बट हाँ ये है कि है जो एक्चुअल है, वो अभी भी मैं बोलूँगी, डंके की चोट पे बोलूँगी कि है थोड़ा सा सोच का डिफरेंस है, मन मुटाव है, झगड़ा है, वो है तो है, मैं क्या करूँ। कल को आप ही लोग पूछने लगोगे आकर के, तब मुझे बताना पड़ता, तब उस चीज़ के लिए प्रेशराइज करते कि क्या है क्या नहीं है। तो ये दुनिया ना किसी तरीके से जीने नहीं देती, मैंने ये सोचा है। अब तुम तो मुस्कुरा रही हो, तुम तो हंस रही हो, तो क्या मर जाऊँ है जहर खा के?
कैसे भी दिन हो गए, हंस के ही काटने पड़ते हैं हमें, मुस्कुरा के ही काटने पड़ते हैं। अगर आप मुस्कुरा के अपने बुरे दिन निकालते हो तो आपके बुरे दिन कैसे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। मुस्कुराना कोई गुनाह नहीं है। जो मैंने मुस्कुरा दिया तो आपने सवाल उठा, मुस्कुराना कोई गुनाह नहीं है। लोगों के ऊपर तो दुखों के पहाड़ टूट पड़ते, तो क्या आप चाहते हो आप किसी के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट छीनना चाहते हो? बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। चलिए, बाकी और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना, मैं अभी कोई बच्ची तो हूँ नहीं। तो मैं मेरी जो आप देख लेना, कमेंट रीड कर लेना, जिन्होंने भी बकवास लिखी है थोड़ी बहुत वो खुद मेरे कमेंट जा कर के रीड कर सकते हैं, मुझसे कितना लोग प्यार करते हैं। आपके 1, 2, 4, 5 कमेंट, 10 कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने उन लोगों के साथ वो बात शेयर की थी कि वो लोग सुने, वो लोग समझें, बट आप लोग बीच में कूद पड़ते हो आकर के। चलो कोई बात नहीं, आपका हक है, आप फ्री हो, इंटरनेट भी है सबके मोबाइल में, यूट्यूब भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी किसी भी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। जिन्होंने मुझे गलत बोला है उनसे भी मैं बोलती हूँ अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो। कोई बात नहीं, आप लोग देखो मेरे वीडियोस, कमेंट करो, बट जो है वो एक्चुअल दिखाऊंगी ना। या प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत किया करो, गलत फहमी किसी में भी आ सकती है, हमारे आपके बीच में आ सकती है, हस्बैंड वाइफ के, भाई बहन, माता पिता, हर मतलब हर किसी के उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग तो आ ही सकती है ना। तो अगर कुछ है भी तो थोड़ा किसी के ऊपर आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो। कोई क्या कर रहा है, सारी दुनिया क्या कर रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो मेरी अपनी लाइफ देखूंगी। मैंने कुछ बहुत ही सॉलिड डिसीजन लिए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी धीरे धीरे, क्या है क्या नहीं है। बाकी चलिए, बातें बहुत हो गई, उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मैंने किसी की बात का सही से जवाब दे पाया हो तो जो भी है। तो चलिए किचन में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी समर स्पेशल सुपर डिलीशियस थाली बनकर के रेडी हो गई, जो कि देखने में जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये समर स्पेशल थाली, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी, थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना एक लाइक ज़रूर करना। इसके साथ मैंने थोड़ा सा खीरा कट करके और बूंदी का रायता सर्व किया है, और रोटी है और सिंपल चावल है। तो इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलूंगी आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।